हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे हम यूनिट नंबर 1 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एक नया टॉपिक जिसका नाम है डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर पूछा गया है AKTU एग्जाम्स में। VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर प्रैक्टिकल डायोड एंड VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर आइडियल डायोड, तो हम सभी को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर प्रैक्टिकल डायोड के साथ। VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? VI कैरेक्टरिस्टिक एक ग्राफ है बाय विच वी कैन नो हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिवर्स बायस्ड, कितना करंट फ्लो कर रहा है फॉरवर्ड में और रिवर्स में, हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स से जान सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। बाकी हमने इसका ग्राफ बना दिया है कि ये हमारा आईडी है वाई एक्सिस में, और आईडी की वैल्यू मिली एम्पियर में है हमारी वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, नेगेटिव वाई एक्सिस में, माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि रिवर्स वाइज में आपको पता ही है कि छोटा होता है करंट, करंट की वैल्यू कैसी होती है, स्मॉल होती है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस, ये हो गया हमारा रिवर्स बायस की कंडीशन। ठीक है, सबसे पहले हमने बनाया सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए। अब स्टार्ट करते हैं, पहले हमने सिंबल्स बना दिए हैं। सिंबल्स क्या दिखाना है कि ये फॉरवर्ड बायसिंग में है। आईडी जो है वो ISEVD/NVT के बराबर होता है, ये आपको पता है, अभी हमने डिस्कस करा हुआ है अपने पिछले वीडियो में जहाँ पे हमने मैथमेटिकल एनालिसिस करी हुई है डायोड इक्वेशन की। तो अगर नहीं पता है तो आप वहाँ से जाकर रिफर कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा सिलिकॉन का वोल्टेज 0.7 होता है कटन वोल्टेज, तो हमने चले लेकिन यहाँ तक कोई बड़ा इंक्रीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद एकदम से एक इंक्रीमेंट हुआ है आईडी में, जैसे जैसे हमने वोल्टेज को बढ़ाया है। ठीक है, तो वोल्टेज की बढ़ाने पर जैसे ही हम 0.7 के आगे ले आए तो हमने क्या देखा कि सिलिकॉन की वैल्यू एकदम से बढ़ गई, सिलिकॉन की आईडी की वैल्यू जो है एकदम से बढ़ गई मिली एम्पीयर में। सिमिलरली जर्मेनियम का कटन वोल्टेज कितना होता है 0.3, तो उसके जैसे ही हम बियॉन्ड लाए तो हमारी जर्मेनियम की वैल्यू भी आईडी की बढ़ गई है। क्लियर हो गया? तो ये तो थी हमारी फॉरवर्ड बाइजिंग की बात। अब बात करते हैं हम अपने रिवर्स बाइजिंग में। रिवर्स बाइजिंग में हम नीचे वाले पोर्शन में आ गए, दैट इज हमने देखा कि पी और एन नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये हमने एक रिप्रेजेंटेशन कर दी है जो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को ये दिखाती है कि आपको कुछ पता है। रिवर्स बाइजिंग का नीचे ग्राफ है, उधर फॉरवर्ड बाइजिंग का, तो जितना ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा तो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, बाकी आईडी की डायरेक्शन ये है। अब देखिए हमने जैसे ही इसमें करंट की वैल्यू को बढ़ाया है तो एक सर्टेन वैल्यू तक तो हमारा वोल्टेज कांस्टेंट था। ठीक है, हमने थोड़ा सा करंट बढ़ाया, हमारा सर्टेन वैल्यू तक वोल्टेज कांस्टेंट था, बट एकदम से फिर एकदम से बढ़ा है, और जैसे हमने बोल दिया जीनर वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज, जहाँ पे हमारा एकदम से आईडी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हुई है। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया जर्मेनियम का ग्राफ, और ये हो गया हमारा सिलिकॉन का ग्राफ। हमारा ये किसका ग्राफ हो गया? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का पहले ही ब्रेकडाउन हो जाता है, जर्मेनियम का बाद में थोड़ा सा ब्रेकडाउन होता है। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई होंगी। और IS1 IS2 से ज़्यादा है, ये भी कई बार पूछ जाता है कि वाई यू कैन से दैट IS1 इज IS2 से ज़्यादा है, क्योंकि ड्यू टू एनर्जी बैंड गैप। अब आते हैं इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन द VI कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो इसमें भी हमारा देखिए वही ग्राफ है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं करा है, बट यहाँ पे हमने एलिमेंट जो लिया है वो सिर्फ सिलिकॉन लिया है। तो सिलिकॉन की वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये 0.7 तक था, जैसे ही मैंने 150 डिग्रीज करा तो आपने देखा कि कुछ वोल्टेज कम हुआ, कम वोल्टेज पर ही, न्यू कटिंग वोल्टेज पर ही उसने करंट को एकदम से इंक्रीज कर दिया। मतलब हमें ये तो पता चल गया ग्राफ से कि VI कैरेक्टरिस्टिक के ग्राफ में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो हमारा कटिंग वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो बस उसके बारे में मैंने नीचे लाइन लिखी हुई है, इफ़ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर देन कटिंग वोल्टेज विल डिक्रीज बाय -2.3 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस या -2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। अब मैंने दो क्यों लिख दी हैं? पहली वैल्यू है जो आपकी रिसर्चेस के ऊपर बेस्ड है, जो आपके रिसर्च पेपर्स में छपे हुई है, जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई हैं। ठीक है, और बाकी -2.5 वोल्ट उनमें है जो जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि बॉयलस्टैड एक बहुत ही फेमस किताब है, उसमें ये लिखी हुई है -2.5 मिलीवोल्ट। तो एग्जाम कभी भी हो तो आप जनरली इसी वैल्यू को यूज़ करिएगा, आप -2.3 को मत करिएगा जब तक ये बुक्स में प्रिंट होकर नहीं आ जाती है, क्योंकि इन केस हो सकता है कि एग्जामिनर को नहीं पता हो ये वैल्यू। ठीक है, तो आप यू विल यूज़ -2.5। -2.3 इज जस्ट फॉर नॉलेज। ओके, तो हमारा एक न्यू कटिंग वोल्टेज क्या हुआ? रिड्यूस हो गया। कितना हो गया होगा? -2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कर जाता है इंक्रीज विद टेम्परेचर के साथ। क्लियर हो गया? अब हम डिटरमाइन करेंगे न्यू वैल्यू ऑफ कटिंग वोल्टेज। एक न्यूमेरिकल है छोटा सा कि डिटरमाइन न्यू वैल्यू ऑफ कटिंग वोल्टेज एट 50 डिग्रीज इज द प्रीवियस वैल्यू ऑफ कटिंग वोल्टेज एट 0.7 सिलिकॉन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री पे 0.7 थी, तो 25 हमने क्या करा, डेल्टा टी निकाला पहले इसका। डेल्टा टी कितना, चेंज निकालेंगे ना कितना चेंज हुआ हमारा, उसके बाद ही हम उसका फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल पाएंगे। तो 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का चेंज हो गया था, क्योंकि 25 से 50 जाने में कितना चेंज हुआ, 50 - 25 = 25 डिग्री सेल्सियस। डिक्रीमेंट इन वोल्टेज कितना डिक्रीमेंट हुआ होगा, तो 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, जितना हमारा टेम्परेचर चेंज हो गया, 2.5 × 25, दैट इज हमें मिला 62.5 मिलीवोल्ट का डिक्रीमेंट वोल्टेज में। ये वैल्यू किसमें थी? मिलीवोल्ट में। ये वैल्यू किसमें थी? मिलीवोल्ट में, क्योंकि हमारा आंसर ये किसमें था, ये था मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस में। और हमें न्यू कटिंग वोल्टेज बताना है, तो न्यू कटिंग वोल्टेज ये किसमें है, वोल्ट में। ये किसमें है, मिलीवोल्ट में, तो मिलीवोल्ट से हमने पहले वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज 0.0625। क्लियर हो गया? ये वोल्ट में आ गया। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर हम इसको माइनस करेंगे, हमारे पास एक न्यू कटिंग वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं था। अब सीधे स्टार्ट करेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कर्व। आइडियल कर्व में क्या होता है, आइडियल डायोड एक बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट की तरह इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ध्यान रखना है, आइडियल डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन, दैट मींस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड इज जीरो।
भाई शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ कि सर्किट नहीं है, दैट इज वीडी की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास जीरो हो गई। अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन इट कैन सस्टेन एनी अमाउंट ऑफ करंट डिपेंडिंग अपॉन द अप्लाइड फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, जितना ज़्यादा फॉरवर्ड बायस वोल्टेज होगा उतना ही करंट इसमें होगा, ठीक है फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो देखिए मैंने लिख रखा है जो फॉरवर्ड बायसिंग है उसमें वीडी जो है वो जीरो होता है और आईडी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो क्यों लिख रही है, आईडी की वैल्यू बल्कि मैक्सिमम होती है। अब वो कितनी होती है तो इसलिए हमने ग्रेटर देन जीरो लिखा है कि जीरो से तो हमेशा ही बड़ी होगी वो, ठीक है। आइडियल डायोड बिहेव लाइक द ओपन सर्किट इन रिवर्स बायस कंडीशन, तो एक चीज़ और आ गई नहीं कि आइडियल डायोड एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है रिवर्स बायस कंडीशन में, रिवर्स बायस कंडीशन में, क्लियर है ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास हमने एक ग्राफ प्लॉट कर रखा है कि वही है रिवर्स बायसिंग में आईडी क्या हो गया जीरो हो गया, लेकिन वीडी की वैल्यू मैक्सिमम होगी बट लेस देन जीरो होगी, मैक्सिमम होगी बट लेस देन जीरो होगी, क्लियर है। देखिए इसका जो ग्राफ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज आईडी की, तो देखिए हमने क्या करा है वही करा है जिससे हम वीडी प्लॉट करा है, वाई एक्सिस में हमने आईडी प्लॉट करा है, सबकी वैल्यू ध्यान रखिएगा या मिलियो एम्पियर में या माइक्रो एम्पियर में या वोल्ट माइनस प्लस वीडी वोल्ट माइनस वीडी वोल्ट। आइडियल में पॉजिटिव नेगेटिव में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट में हमने बताया था क्या होता है आईडी जो है वो कैसा हो गया बहुत मतलब ग्रेटर देन जीरो है, तो आईडी की वैल्यू तो हमने बड़ी दिखा दी है एक इन्फिनिट तरीके से है, मैक्सिमम वैल्यू है ना इस तरीके से दिखा दी है। वीडी की वैल्यू जीरो है तो वीडी की वैल्यू देखो वीडी पे कुछ नहीं चला है, ये पॉइंट कुछ भी नहीं चला है, दैट मीन्स वीडी की वैल्यू जीरो है और आर की वैल्यू इसमें जीरो हो गई। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है रेजिस्टेंस जीरो जाता है, दैट इज ऑल सिंपल। और इसमें क्या है रेजिस्टेंस इन्फिनिट है क्योंकि ओपन सर्किट में इसका मतलब क्या है कि इन्फिनिट रेजिस्टेंस है, उससे करंट जाएगा ही नहीं, दैट इज ओपन। और ये सब अगर नहीं पता है तो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये सब चीज़ें दी होती हैं, अगर नहीं पता है तो आप इसको हम रेफर कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे ही पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर लीजिएगा ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। बाकी वीडी जो है वो लेस देन जीरो है, आईडी की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो हो जाती है, आईडी की वैल्यू क्या है इसमें जीरो होती है, हमने अभी डिस्कस करा कि रिवर्स बायस में क्या है आईडी की वैल्यू जीरो है और वीडी की वैल्यू मतलब मैक्सिमम है लेकिन लेस देन जीरो है ठीक है। तो हमने ये हमने वीडी की वैल्यू एक तरीके से दिखा दी है मैक्सिमम है बट आईडी इसमें क्या है जीरो है क्योंकि आईडी पे ये कुछ भी नहीं चला ऊपर की तरफ ठीक है, तो दैट इज आईडी की वैल्यू जीरो हो गई। रेजिस्टेंस क्या हुआ इनफाइनाइट, क्यों क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरफ बिहेव कर रहा है और ओपन सर्किट में क्या होता था रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, मतलब ओपन सर्किट कर दीजिए खोल दीजिए सर्किट को ठीक है, तो वो सिंपल है, इसमें अलावा इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है एक्स्ट्रा। अब डिस्कस करते हैं दो मार्क्स के बहुत छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आते हैं, डिस्क्राइब डायोड इक्विवेलेंट सर्किट। डायोड इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स सिलेक्टेड प्रॉपरली फॉर ड्रॉइंग द एक्चुअल टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ डायोड। तो ये एक हमारा कॉम्बिनेशन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का जिससे हम सेलेक्ट करते हैं प्रॉपरली फॉर ड्राइंग द एक्चुअल टर्मिनल्स कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ डायोड। अगर मेरी स्पीड आपको हल्की लग रही है तो आप 2x स्पीड पे देख सकते हैं, तेज लग रही है तो 0.75x पे देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट हो जाएगा। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डायोड इक्विवेलेंट सर्किट, पहली होती है पीस वाइज, दूसरी होती है सिंप्लीफाइड और तीसरी होती है आइडियल इक्विवेलेंट। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है जिसमें आपसे डायोड इक्विवेलेंट सर्किट पूछ सकता है, उसके तीन पार्ट्स पूछ सकता है डिस्क्राइब करने के लिए छोटे छोटे ठीक है। तो देखिए पीस वाइज इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ इक्विवेलेंट्स वी आर अज्यूमिंग दैट अ वेरी स्मॉल फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस विद डायोड। हम फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस में एक फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस मानते हैं जिसकी वैल्यू बहुत छोटी है विद डायोड, जो हमारा देखिए आइडियल डायोड लगा हुआ है, तो अगर 5 वोल्ट है तो सिलिकॉन के बाद जो हमारी वैल्यू यहाँ पहुँचेगी तो 4.3 वोल्ट हो जाएगी। ये जस्ट रेफरेंस के लिए लिख दिया है, आपको लिख के नहीं आना है अगर आता है तो ठीक है, बाकी सब डायग्राम बना दीजिएगा। ये बैटरी लगी हुई रेजिस्टेंस लगा हुआ है और देखिए वही है कि कट इन वोल्टेज की वैल्यू कुछ हल्के हल्के इंक्रीज़ हो रही है और बाकी ये इसके दोनों ग्राफ्स होते हैं जो जनरली प्लॉट होने के लिए पूछे जा सकते हैं हमसे। बाकी अगला आता है सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट। सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट हम सिंपली कह सकते हो कि एक ऐसी सर्किट जिसमें हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाए, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें क्या है जीरो है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी है जीरो है, तो फॉर सम एप्लीकेशन हम इसे एज्यूम कर सकते हैं, हमने किसी एप्लीकेशन के पर्पज से ही आर को जीरो एज्यूम करा हुआ है, इसलिए सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट में फॉल करता है। अगला आता है आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट। इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। आपको बता देते कि आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, करंट इसमें क्या होता है मैक्सिमम होता है, तो करंट हमारा मैक्सिमम था और वीडी की वैल्यू कुछ भी नहीं थी, वीडी की वैल्यू कैसी हुई जीरो हो गई, तो दैट इज अ सिंपल डायग्राम फॉर दिस। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीना डायोड, दैट इज अ वोल्टेज रेफरेंस डायोड, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही है, तो वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको इसमें कोई भी डाउट आया हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।